हाय। हाँ बता। अरे यू नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे। रुक, खाना लग गया। रुक थोड़ी देर में करता हूँ फोन तेरे को, मम्मी ने बुलाया यार, खाने में हेल्प करना थोड़ा। ओके। Hi, I actually needed your opinion on some artwork. हाँ जी बताओ। I sent you the pictures before, but then you did not really reply यार। Just a minute. पापा बुला रहे हैं यार, जरा शाम को अभी बैठ के एक सीरीज देखनी है पापा के साथ। What? Okay, okay, I'll talk to you later then. Hello? Yeah, you check? नहीं यार, नहीं कर पाया। I sent you long time back, man. कल बात करता हूँ यार इस बारे में, अभी शूज पहन के फैमिली के साथ वॉक पे जा रहा हूँ मैं। What? Okay, fine, I'll talk to you later. Hello? Hi, what's up? Yeah. अरे यार सुबह सुबह है यार पिंटू। So excuse me, ever since yesterday, day before yesterday, you go on doing the same shit. What is wrong with you? What kind of nonsense is this? You'll talk to me later. You have this. You have to go here. You have to go there. What the hell? But I'm only calling you to listen to your nonsense that you'll talk to me later. क्या हो गया? You're not the only one busy, man. You're not the only one busy. You know what? Do whatever work you want to do. Do whatever shit you want to do. I don't really care. What you need to tell me today is you choose between them or you choose between me, because I can't really take this that you don't have time at all. क्या? तुझे पता है जिनके बारे में तू बात कर रही है उनका ये घर है, जिस घोड़े में बैठ के हम लफंडरबाजी करते थे वो भी उनका ही दिया हुआ है। और अगर मेरी गाड़ी सही है तो हम लोग को साथ रहते हुए अभी 3 महीना 9 दिन हुआ है। थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं बोल दिया तूने ये? अभी अभी तक तो मैं आई लव यू को यूज नहीं हुआ था। प्यार अंधा होता है मान लिया, लेकिन थोड़ी होता है। मंडे से फ्राइडे ऑफिस जाता हूँ, ना चाहते हुए भी घर को हॉस्टल और घर वालों को वार्डन के जैसे ट्रीट करता हूँ। बहुत सारा टाइम गले पे लटका रहता है। और अगर ये सब के बीच में तेरे को लगता है कि तेरा आई लव यू से कोई फर्क पड़ता है तो दोस्त गलतफहमी से बाहर निकलो। बॉस तो बाद में आता है, थकान तो यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोग तो अपने 3 महीने की बंदी को समय देने के चक्कर में सारा ऑफिस का टाइम निकाल देते हैं। साला हार्ट्स भेजने की रेस में ही लग गया सारा टाइम मेरा। और तेरे को क्या लगता है कि ये सब में थकान नहीं होती? सारा पूरा दिन थकान में निकल जाता है। थकान तब मिटती है जब मैं घर के अंदर घुसता हूँ और ये देखता हूँ कि मैं जब ऑफिस में था उस टाइम मेरी माँ ये सोचते हुए कि बेटा थका होगा, मैंगो शेक और ब्रेड रोल बना के रखती है मेरे लिए। जब मैं घर के अंदर घुसता हूँ ना, गेट से ही पापा ये बोलते कि आज तो बड़ा सच सवार के घूम रहा था, तब जाके थकान मिटती है। मुद्दे की बात यह है कि एक दूसरे को अपने घर वालों से कंपेयर करना बंद करो। अगर तू इंपॉर्टेंट है तो वो लोग नेसेसिटी है, तो ड्रामा कंट्रोल करो, थोड़ी सी सांस लो और ठंड पाओ। और अगली बार इतना जल्दी मत उठाना यार। एनीवे, नींद आ रही, चलो गुड नाइट।